हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक हब चंदन चैनल। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मतलब एरर को लेके जिसको फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, और ये विंडोज़ से रिलेटेड है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन को दिखा रहा हूँ, तो ज़रूर कुछ इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे तो विंडोज़ हमेशा अपडेट लेते रह रही है। ये ऑलरेडी एक ओरिजिनल विंडोज़ का वर्जन है जो कि विंडोज़ 10 है, और ये इसके जो OS के जो बिल्ड आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा मतलब अपडेट्स ले रहे हैं दिन प्रतिदिन कि हर एक दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है। जैसे कि आप देखोगे कि नए वर्जन में आपको इंटरनेट जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो आपको मिला हुआ है, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर था पहले, वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो चुका है। और साथ में आप देखोगे कि उसमें गूगल क्रोम के जितना ही फीचर्स डाला गया है और उसी के जैसा वो काम करेगा। जैसे कि आप एक्सटेंशंस यूज़ करते थे और भी डिफरेंट तरीका जो होता था गूगल को फास्ट कर मतलब गूगल क्रोम जो सर्च करने के लिए जो ब्राउज़र है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्राउज़र्स, तो उसी तरह से उसी रास्ते पे माइक्रोसॉफ्ट भी अब चल पड़ा है और ख़ुद के ब्राउज़र को वो प्रमोट कर रहा है, ठीक है, अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है कि आप जब भी अपडेट ले रहे हो तो आपको क्या होता है, बाई डिफ़ॉल्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो आपका रहता है, और जहाँ जहाँ से आप अगर गूगल क्रोम करते हो तो वहाँ पर आपको एक पॉपअप भी दिखाएगा कि जब भी आप ब्राउज़र पर सर्च करोगे मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज के जो ब्राउज़र पर, तो वहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे कि वहाँ पे आपको बोलेगा कि आप ऑलरेडी यूजिंग, यू आर ऑलरेडी यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज, जस्ट कीप ऑन ब्राउजिंग सो दैट यू कैन एन्जॉय द इंटरेक्टिव फीचर्स ऑफ दिस एज। ओके, तो मैंने भी वही मतलब अभी फेस किया जो देखा मैंने। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा दूँ एक प्रॉब्लम जो कि मुझे फेस करनी पड़ी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि योर स्टार्ट मेनू इज इंट वर्किंग, वी विल ट्राई टू फिक्स इट द नेक्स्ट टाइम यू साइन इन। तो यहाँ पे जो मेरा ये जो स्टार्ट बटन है ये काम ही नहीं कर रहा था। मैं जब भी कर रहा था तो मुझे यही पॉपअप आ रहा था कि योर स्टार्ट मेनू इज नॉट वर्किंग, वी विल ट्राई टू फिक्स इट द नेक्स्ट टाइम यू साइन इन, क्रिटिकल एरर, साइन आउट नाउ। तो आप साइन आउट नाउ जैसे करते आपका लॉग जो स्क्रीन है वो उस पर चला आता, जैसे कि ये स्क्रीन पर आप चले आओगे, सिंपली आप देख सकते हो कि ऐसा स्क्रीन आपका चला आएगा, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड देना होता था, पासवर्ड दे के मैं अपना वहाँ पर चला जाता था, बट क्या होता था वो ऑलरेडी मैं जब भी इस पर क्लिक करता तो वो नहीं आता था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया, तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर ये प्रॉब्लम आ ही सकता है, क्योंकि अभी विंडोज़ के बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं और भी सारे अपडेट आने वाले हैं 2020 के, तो ऐसे में आप कोई भी अपडेट पैकेज को जब इंस्टॉल करते हो तो ऑब्वियसली इस तरह के एरर्स आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखे कि इस तरह के प्रॉब्लम तभी आते हैं जब कोई अपडेट आप करते हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस होता है या फिर आप कुछ इंस्टॉल करते हो, ठीक है, मतलब अपने लैपटॉप में या फिर अपने डेस्कटॉप पे। तो मैंने बहुत सारे प्रोसेस ट्राई किए, मैंने पावर शेल से मैंने ट्राई करना मतलब सीखा, वहाँ भी कुछ काम नहीं बना। मैं CMD के तरीके से किया, CMD जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके तरीके से मैंने किया, उसके थ्रू जाके, बट वो भी काम नहीं आया। और भी बहुत सारे प्रोसेसेस थे जैसे कि रेज एडिट करके मतलब रजिस्ट्री एडिट करके, बट वहाँ भी ये काम नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी बट बहुत क्रिटिकल भी थी, क्योंकि स्टार्ट मेनू अगर आपका नहीं खुलेगा तो ऑब्वियसली जैसे आपका एक स्मार्टफोन है तो उसमें अगर आपका कॉल लॉक बटन ही नहीं आएगा तो आपको कैसा लगेगा, आप कॉल किसी को कर नहीं पाओगे, सिर्फ आप रिसीव कर पाओगे। तो यही प्रॉब्लम है कि मतलब मुझे यही दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं सारे प्रोसेस को करने के बाद में मैंने खुद से सोचा कि चलो इसे फिर से रिसेट करता हूँ। और रिसेट जो होता है, एक फुल रिसेट होता है, एक होता है जो कि पार्शियल रिसेट होता है, जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर को आप रख के मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट रह जाते हैं, और जितने सारे सॉफ्टवेयर जो चेंजेस आपने किए थे वो चेंजेस आपका यहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो मतलब उसी के लिए मैंने देखा कि चलो वो तो इफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली इट हैज़ हेल्प मी अलॉट, ये मुझे इफेक्ट किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर मतलब पूरा जो चेंजेस है यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो अब चलिए हम मतलब मैंने क्या किया था, सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है, वो प्रोसेस को हम देख लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम आपको आएंगे और आप ज़रूर इसको सर्च कर रहे होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना, वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि कोई भी ट्यूटोरियल जो होता है वो थोड़ा लंबा ही होता है ताकि आपको अच्छे से समझा पाएँ बहुत ही ज़्यादा क्लियर तरीके से, क्योंकि ब्रीफ में आप कुछ समझ नहीं पाओगे, ठीक है। और जैसा कि सिस्टम फाइल है या सिस्टम है तो सिस्टम के साथ में आपको उसी तरह से मतलब इंटरेक्ट करना है, नहीं तो आपका सिस्टम और भी ज़्यादा वर्स हो सकता है, मतलब वर्स इन कंडीशन में जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन जो बार है उस पर राइट साइड में आपको क्लिक कर लेना है, एकदम बॉटम साइड में। वहाँ आने के बाद में आपको क्या करना है, ऑल सेटिंग्स में चले जाना है आपको। सिंपली ऑल सेटिंग्स में जाने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे आप सीधा नीचे चले आओ, यहाँ पर आपके यहाँ पे आपको आना है अपडेट एंड सिक्योरिटी में।
जैसे ही आप अपडेट एंड सिक्योरिटी में आते हो, देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, विंडोज़ मलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल पेंडिंग डाउनलोड। तो मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, बट व्हाट आई डिड एक्चुअली, मैंने जो अपडेट किया था सारे, वो सारे अपडेट अब फिर से रिसेट होकर जो प्रीवियस टाइप में था उस तरह से चलाया। तो दोस्तों मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप अपने विंडोज़ अपडेट को अपने तरीके से रखो कि आपको कौन सा डाउनलोड करना है और कौन सा नहीं करना है, क्योंकि जो भी विंडोज़ डिफेंडर जो अभी डाउनलोड हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, अग्रेसिव है। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज को देख रहा है उसे डायरेक्टली डिलीट कर दे रहा है, उसको बिना सोचे आपका सॉफ्टवेयर पूरा करप्ट हो जाएगा और आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे सॉफ्टवेयर्स को आपको परचेस करना एक विंडोज़ यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पैच फाइल और क्रैक्ट फाइल को यूज़ करते हैं जो स्टैंड अलोन होता है। स्टैंड अलोन मतलब जो आप विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी आप उसे यूज़ करते हो, तो वो हो गया आपका स्टैंड अलोन। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अपडेट आपको नहीं चाहिए, सिंपली आप जो चाहिए यहाँ पे आप कर रहे हो, कोई भी ओल्डर वर्जन आप इंस्टॉल करो जो चलता है आपके कंप्यूटर में, आप उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जैसे हो गया फिल्मोरा का एडिटिंग के लिए, या मूवावी का एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप ले सकते हो, या फिर आप प्रीमियर प्रो भी ले सकते हो साथ में, ठीक है, वगैरह वगैरह आप सारे यूज़। तो कोई भी अपडेट देने से पहले आप अच्छे से देख लो कि हाँ वो अपडेट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर आप अपडेट को रखो ताकि पहले पहले जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो जिसके कारण बहुत सारे विंडोज़ यूज़र्स इसके लिए प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसे आप कुछ दिन बाद इंस्टॉल करो, ठीक है, क्योंकि ये अभी मतलब ट्रायल पीरियड में हो, या फिर अब बीटा टेस्टर जो इसे टेस्ट कर रहे हो उसी के बाद इसे मतलब रिलीज़ किया जाता है। बट आई थिंक सो आपको अभी जब ज़रूरत नहीं है तो आप इसे बाद में ही करो, वही ठीक रहेगा। और रही बात हम जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था उस प्रॉब्लम का किस तरह से ठीक करोगे, तो सिंपली हम यहाँ आने के बाद में मैंने आपको बताया कि पहले नोटिफिकेशन बार से आना, फिर उसके बाद में आपको मतलब विंडोज़ अपडेट एंड सिक्योरिटी में, उसके बाद यहाँ आने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन आ गया रिकवरी का। तो रिकवरी में जाने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे कि रिस्टार्ट नाउ करोगे, तो जैसे ही आप रिस्टार्ट नाउ करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको तीन ऑप्शन आएंगे, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है आपको। तो ये वाला ऑप्शन आपको जब आएगा तो आप यहाँ से क्या करना है, आपको चूज एन ऑप्शन यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो आप जैसे चूज एन ऑप्शन में आप यहाँ पे देखोगे कंटिन्यू एग्जिट एंड, यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है मतलब क्या हो रहा है कि आप इसे कंटिन्यू करें, एग्जिट करने के बाद में कंटिन्यू करें, ठीक है। यहाँ पे टर्न ऑफ योर पीसी है, आप टर्न ऑफ करें, या फिर यूज़ अ डिवाइस, यूज़ ए यूएसबी ड्राइव, नेटवर्क कनेक्शन और विंडोज़ रिकवरी डीवीडी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ट्रबल शूट आ जाएगा, ट्रबल शूट में आपको क्या करना है, रिसेट योर पीसी और सी एडवांस्ड ऑप्शन। तो आपको सबसे पहले ट्रबल शूट में आ जाना है, ठीक है। ट्रबल शूट में आने के बाद में फिर आपको क्या पूछा जाएगा वहाँ पे, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। अब आपको ट्रबल शूट में आने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश योर पीसी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे इफ़ योर पीसी इज इन रनिंग वेल यू कैन रिफ्रेश इट विदाउट लूजिंग योर फाइल्स। तो आपको क्या करना है, आपको रिसेट करना है, जो कि रिसेट योर पीसी, यहाँ पे क्या, इफ़ यू वांट टू रिमूव ऑल ऑफ योर फाइल्स यू कैन रिसेट ऑल योर पीसी कम्प्लीटली। तो ये ऑप्शन आपको नहीं करना, आपको करना है जो कि है मतलब रिसेट योर पीसी, जहाँ पे आपको सारे फाइल्स जो हैं आपके, जो म्यूज़िक फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, ये सब फाइल्स आपके रहेंगे, बट जो एप्लीकेशंस जो अभी आपने इंस्टॉल किया है सी ड्राइव में, सिस्टम ड्राइव में, वो ड्राइव से आपके सारे डिटेल्स आपके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जस्ट एक ऐसे ओवरव्यू मैंने आपको दिखाया, क्योंकि मैं अभी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने जब किया उस टाइम इसे रिकॉर्ड करना भूल गया, बट क्योंकि मैं चाहता था कि ये अच्छे तरीके से काम करता है कि नहीं, मैं वही देखना चाहता था। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क किया है, और आप इसे देखें जरूर इस वीडियो को। तो यहाँ से आप इसे नॉर्मली करोगे तो आपका वो जो से रिसेटिंग करता है वो रिसेट करता रहेगा आपका पीसी, आपका मिनिमम अराउंड 1 to 2 hours के करीब ये समय लेगा, उसके बाद में पूरे तरीके से कंप्लीट करके आपको एकदम फ्रेश, जिस तरह का सॉफ्टवेयर आपको जो मिलता है कंप्यूटर का, मतलब जो पहले पहले बार जो आप लेते हैं जब, तो एकदम उसी तरह से मिलेगा। और ये देखो आपको मतलब मेरा यहाँ पे ये सेटिंग अच्छे तरीके से चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये एकदम 100% वर्क करेगा। और ये ज़रूर है कि आपके सारे मतलब जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उड़ जाएंगे, तो इट इज़ बेटर कि आप सारे सॉफ्टवेयर्स के बैकअप रखो, सॉफ्टवेयर्स रखो, जितने सारे आप फाइल्स सेव करके रखे हो वो सब फाइल को आप अलग तरीके से सेव कर लो, सी ड्राइव को एकदम खाली कर दो, क्योंकि जब बाद में भी आप सॉफ्टवेयर को तो इंस्टॉल कर सकोगे, वो जो प्रोग्राम से जो एप्लीकेशन या जो सो आप फाइल सेव करके रखे हो वो फाइल आपको रखना है ताकि वो बचा रहे, नहीं तो सी ड्राइव में अगर रहा तो वो भी उड़ सकता है उसके साथ साथ, ठीक है, जो अगर उसे लगे कि ये करप्ट फाइल्स हैं। तो यही है एक प्रोसेस जो जिससे कि आप अपने मतलब कंप्यूटर को फिर से रीइंस्टेट कर सकते हो और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपका स्टार्ट जो मेनू है वो ठीक हो सकता है, एकदम 100% तरीके से ठीक होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें, और कैसा लगा आपको वीडियो
और शेयर भी करें ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स जो जो फेस कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।